व्हेल्स। ये अब तक के सबसे बड़े जानवर हैं। ये हाथी, मैमथ और यहाँ तक के डायनासोर से भी भारी होते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये ना तो समुद्र में रहा करते थे और ना ही इतने बड़े होते थे जितने आज हम इन्हें देखते हैं। इनका विकास कैसे हुआ, ये जानने के लिए आइए समय में लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ साल पीछे चलते हैं। इस समय आपको समुद्र में कोई व्हेल नहीं मिलेगी। अगर इनसे मिलना है तो आपको जाना होगा समुद्र से बाहर इसके तट पर, जहाँ पर आप पृथ्वी पर मौजूद सबसे पहली व्हेल पैकेसेटस से मिल सकते हो। पैकेसेटस, ये समुद्र के किनारे रहने वाले वो जीव होते थे जो मछली और कुछ छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहते थे। 1 या 2 मीटर के ये पैकेसेटस देखने में कुछ भेड़िया की तरह दिखाई देता था, पर इसकी खोपड़ी का आकार थोड़ा अलग सा था और यही जीव आगे चलकर व्हेल्स में बदलने वाले थे। आखिर कैसे ये छोटा सा जानवर दुनिया का सबसे बड़ा जीव बन गया, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। The whale's marine habitat contributes to their exceptional size. The ocean provides more room to grow and eliminates one of the factors that usually hinder animal size. Some fish come too quickly and escape back to the safety of the shore. But most are picked off by the orcas. समुद्र में जीवन की उत्पत्ति होने के बाद इसे महासागरों से निकलने में लाखों साल लग गए, लेकिन व्हेल्स ने यह सारा प्रयास खिड़की से बहार फेंक दिया और करीब 4 से 5 करोड़ साल पहले ये वापस से समुद्र में उतर गए। इन्होंने तैरने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल किया और वास्तव में कुछ व्हेल्स के पास आज भी पिछले पैरों की बची हुई हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक बार समुद्र में उतरने के बाद गुरुत्वाकर्षण के तहत इनका वजन अब मायने नहीं रखता था, यानी ये थियोरिटिकली अब फ्री हो चुके थे एक बड़े अनुपात में बढ़ने के लिए। और उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, वो इतने बड़े हुए कि आज ब्लू व्हेल्स अपने पूर्वज पोकेसेटस की तुलना में करीबन 10,000 गुना अधिक विशाल हैं। लेकिन ये परिवर्तन इतना कार्मिक नहीं रहा जितना कि हम इसे सोचते हैं, क्योंकि वास्तव में लगभग 4 करोड़ वर्षों तक व्हेल्स का आकार ज़्यादा नहीं बढ़ सका। इस समय तक कुछ अलग प्रजातियां तो बननी शुरू हो गई थी, लेकिन आकार में वो अब भी छोटी ही थी। उदाहरण के लिए उस समय में एक व्हेल केवल 18 फीट लंबी हुआ करती थी, जिससे वे विशाल शार्क जैसे शिकारियों के लिए एक आसान शिकार बन गई। फिर लगभग 30 लाख साल पहले समय ने फिर एक बार करवट ली और हिमयुग यानी आइस एज आ गया। महासागरों का तापमान और धाराओं में बदलाव आया, प्लैंकटन्स की ग्रोथ में एक गजब का उछाल हुआ और व्हेल्स को एक मौका मिला अपने आप को बेहतर और बड़ा बनाने का। अब व्हेल्स को खाने की कोई दिक्कत नहीं थी तो उन्हें भरपूर एनर्जी मिल रही थी, जिसके चलते उनका आकार बढ़ने लगा। और जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता गया वो खाने की तलाश में दूर दूर तक जाने लगी और समय के साथ साथ उनका आकार और भी बढ़ता चला गया। करीब 30 लाख साल बाद हम्पबैक व्हेल्स एक साल में 8,000 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकती थी, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी मैमल्स के लिए सबसे अधिक है। इन्हीं सभी के परिणाम स्वरूप आज हमें इतिहास की सबसे बड़ी व्हेल्स देखने को मिलती है। अगर इस झुंड की सबसे बड़ी सदस्य ब्लू व्हेल की बात करें तो इसका वजन बोइंग 757 विमान से भी अधिक हो जाता है। इसकी नाभि एक प्लेट के आकार जितनी बड़ी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ ब्लू व्हेल इतनी बड़ी है कि उन्होंने सबसे बड़े जीव की फिजिकल लिमिट को छू लिया है, यानी उससे बड़े जीव के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब व्हेल 110 फीट से लंबी हो जाती है तो उन्हें मुँह बंद करने में भी करीबन 10 सेकेंड लगने लगते हैं, जिससे कि उनकी शिकार भी कई बार बचकर निकल जाते हैं। हो सकता है कि हम सबसे बड़े जानवर के साथ रह रहे हों।